हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आईसीआईसीआई पीओ के रिगार्डिंग, जो अभी सबको मेल आ रहा है। बहुत लोगों को एक मेल रिसीव हो रहा है जिसमें कि फिर से डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा जा रहा है। तो उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके रिगार्डिंग जो मैं इस वीडियो में वो सारी बातें करूंगा, जिनको जो प्रॉब्लम्स भी हो रही थी पहले उसके बारे में भी लास्ट में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जो सबको ईमेल आ रहा है, तो क्या ये रिजल्ट के रिगार्डिंग है या जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है उनके लिए है? तो ये स्टेप बाय स्टेप करके वन बाय वन मैं सारी बातें बताऊंगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब मेरी न्यू वीडियो जाए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे एक मेल का स्क्रीनशॉट सेंड किया है, जो कि मैं अभी आप लोगों को शो करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो, ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूं कि ये सिलेक्टेड लोगों को आ रहा है या फिर आपका सिलेक्शन मेल है ये, क्योंकि सिलेक्शन मेल में आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ आता है और साथ में वहाँ पे मेंशन रहता है कि आप जो है मतलब फाइनली सिलेक्टेड हो गए हैं। बट ऐसा कुछ तो लिखा हुआ है नहीं जहाँ तक मैंने वो ईमेल देखा है। बस उस ईमेल में ये है कि आपसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट देखो उस ईमेल का। आई होप कि आप लोगों को भी सारे लोगों को आया होगा, एंड आई थिंक बहुत लोगों को आया है ये मेल, वन बाय वन करके सभी लोगों को आ रहा है। तो देखो, सबसे पहली लाइन जो है इसकी कि डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड ऑन द बिलो गिवन लिंक इन ऑर्डर टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन फॉर आईसीआईसीआई बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम अक्टूबर बैच। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट ईमेल बताऊंगा कि कैसे क्या करना है आप लोगों को, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखो, आपसे सारा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो कि आप लोगों को पहले भी सबमिट करने के लिए कहा गया था और बहुत लोगों ने सबमिट किया भी था। तो हो सकता है किसी का रह गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये एक सिलेक्शन मेल के लिए लिया जा रहा हो। मतलब कि सिलेक्शन मेल कहने का मतलब है ये कि जो लोग सिलेक्ट होंगे उनका पहले से ले लिया जा रहा हो। ये मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, इसको आप लोग 100% मत मान लेना, मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, जिनको भी ये मेल आ रहा है तो जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जैसे कि आपका एजुकेशनल मैट्रिक का मतलब 10th क्लास, 12th क्लास एंड योर ग्रेजुएशन, तो जहां तक भी आपने एप्लीकेशन में फिल किया है, अगर आपने एप्लीकेशन में पीजी फिल कर दिया है तो उसका भी आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहां पे आप लोगों को ग्रेजुएशन तक का दिया गया है तो सिर्फ ग्रेजुएशन तक का ही मतलब कि अपलोड करना है, और ग्रेजुएशन का कंसोलिडेटेड मार्कशीट उनको चाहिए। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में देख लो क्या मांग रहा है कि पासपोर्ट, या तो पैन कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस, या वोटर आइडेंटिटी कार्ड। यहाँ पे आधार कार्ड का जिक्र नहीं किया गया है, तो आधार कार्ड वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पासपोर्ट, पैन कार्ड, डीएल या वोटर आईडी में कोई एक चीज आपको एज एन आइडेंटिटी प्रूफ जो है अपलोड करना है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में भी सेम है, पासपोर्ट या डीएल या वोटर आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे पैन कार्ड नहीं है एड्रेस प्रूफ में, तो तीन चीजें जो है उन तीन चीजों में एक चीज आपको सबमिट करनी है वहां पे। ठीक है, या तो पासपोर्ट या डीएल या फिर वोटर आईडी। ठीक है, एड्रेस प्रूफ के लिए। उसके बाद आप लोगों को एक अपडेटेड रेज्यूमे सबमिट करना है वहां पे। रेज्यूमे के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि फ्रेश रेज्यूमे कैसा होना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे मेंशन नहीं करना है अपना वर्क एक्सपीरियंस, तो मत करना। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग डायरेक्टली आईसीआईसीआई की वेबसाइट पे जा करके कर रहे थे। ठीक है, तो देखो, यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी लिंक दिया गया है, क्योंकि बहुत लोगों का डायरेक्टली वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पे शायद नहीं हो रहा है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो जिनको भी ये मेल आया है, इस मेल में जो ये लिंक दिया गया है, ठीक है, इस लिंक को थोड़ा मैंने हाइड कर दिया है ड्यू टू प्राइवेसी। तो आप लोग इस लिंक के थ्रू लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने का जो तरीका बताया गया है, यूजर नेम में आप डाल सकते हैं आपका जो एप्लीकेंट आईडी है वो डाल सकते हैं, या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, दोनों में से कोई एक चीज आप डालेंगे अपना यूजर नेम में। उसके बाद जो पासवर्ड आप लोगों को डालना है वो डेट ऑफ बर्थ के फॉर्मेट में है। तो देख लो जिस तरह से ये फॉर्मेट दिया गया है, DDMMYYYY, मतलब पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, और उसके बीच में स्लैश का चिन्ह मतलब कि साइन होगा। ठीक है, तो जिस फॉर्मेट में आपको पासवर्ड यहाँ पे बताया गया है उसी फॉर्मेट में आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ जो है एज अ पासवर्ड आप लोगों को वहां पे फिल करना है, उसके बाद फिर लॉग इन करना है। ठीक है, इस लिंक के थ्रू। उसके बाद देखो, नोट में जो लिखा गया है वो भी इंपॉर्टेंट है कि ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी अपलोडेड इन द डॉक्यूमेंट्स अपलोड। ठीक है, तो जब आप लोग उसके बाद आफ्टर लॉगिंग इन टू द
एवब मेंशन्ड पेज, मतलब कि जो आप लोगों को लिंक दिया गया है जब आप लोग उसे ओपन करोगे ठीक है, तो आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड वाला जो एक टैब होगा वो ओपन होगा ठीक है। तो वहां पे आप लोगों को सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपना अपलोड करना है। उसके बाद अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन होती है बहुत लोगों को कि जेपीजी फॉर्मेट में करना है या पीडीएफ फॉर्मेट में करना है। तो लास्ट टाइम आपने जिस फॉर्मेट में किया था उसी फॉर्मेट में आप लोग अपलोड कर देना ठीक है। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बात। जिनको भी ये मेल आ रहा है तो देखो डॉक्यूमेंट तो आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा, तो आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। दूसरी बात है, बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि क्या ये सिलेक्शन मेल है। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद ये सिलेक्शन मेल है, बट आई एम नॉट 100% श्योर कि ये सिलेक्शन मेल ही है। बट हाँ, आप लोग एक मान करके चल सकते हो क्योंकि यहाँ पर जो मतलब जो सब्जेक्ट है इस मेल का वो है आईसीआईसीआई बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम अक्टूबर बैच। तो आई थिंक के आप लोग इसे कह सकते हो कि एक टाइप का सिलेक्शन मेल है, बट मे बी आप लोगों को वो एक और मेल करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट मेल के लिए तब तक वेट कर लेते हैं, अगर कुछ ऐसा अपडेट आता है तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि ये सिलेक्शन मेल है या फिर पहले से वो डॉक्यूमेंट सबमिट ले रहे हैं ठीक है। तो ये हो गई एक बात, ये तो इस ईमेल की बात हो गई। दूसरी बात है, बहुत लोगों को जो भी प्रॉब्लम आ रही थी जिस चीज के भी रिगार्डिंग, जैसे कि मान लो कोई टेक्निकल इशू के कारण अपना इंटरव्यू नहीं दे पाया था, बहुत लोगों का जीडी हुआ था उनको इंटरव्यू के लिए मेल नहीं आया है, या बहुत लोगों का हुआ है कुछ मतलब नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा हुआ और नहीं हो पाया, कुछ लोगों का 2 मिनट 4 मिनट ही हुआ इंटरव्यू। तो देखो जिनका पहली बात नहीं हुआ है आप उनको मेल करो या उनसे बात करो जो फोन नंबर दिया गया है ठीक है, टोल फ्री नंबर। और वो टोल फ्री नंबर जो है वो मॉर्निंग 9:30 से इवनिंग 6:30 के बीच में आपको करना है ठीक। इसी बात आप मेल कर लो, और मेल मंडे टू फ्राइडे या फिर आप फोन कॉल मंडे टू फ्राइडे ही कर सकते हो, उनका ओपन रहता है, सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। तो आप उनको मेल करके पूछ ही सकते हो, और उसके बाद आपको वेट करना होता है ठीक है। उसके बाद वेट करने के अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपको उनका रिप्लाई आता है देन ही कुछ हो सकता है, या फिर रीशेड्यूल हो सकता है, या फिर जो भी आपका सॉल्यूशन है वो आपको पता चल सकता है उनका रिप्लाई आने के बाद। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। बात करने का मतलब है, अगर मान लो उनका रिप्लाई नहीं आया तो आप उनको मेल ही कर सकते हो या फोन कॉल ही कर सकते हो, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है वेट करने के अलावा। तो जिन लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप लोगों के पास ऑलरेडी ईमेल आईडी है, सारा कुछ है आप लोगों के पास, आप लोग उनसे बात करो, ईमेल करो, और जो भी आप लोग लिखते हो अपने ईमेल में तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा करो कि जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आगे जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होंगी तो जब आप लोग मेल करोगे तो थोड़ा सा उस मेल में एक्सप्लेन कर देना। और हाँ, इतना लंबा भी मेल मत लिखा करो कि जितना होता है ना कि 1-2 पेज लिख दिया, नहीं, शॉर्ट में कोशिश करो लिखने की, और उसमें आप लोग मेन अपने प्रॉब्लम को देखो कि क्या प्रॉब्लम आप लोगों को हुई है। तो उसके बाद आप लोगों को विद इन 24 आवर्स आई थिंक रिप्लाई आ जाता है। तो आप लोग अपना रेगुलरली मेल भी चेक करते रहो। और जहां तक इस मेल की बात है, तो इस मेल में जो मतलब जो डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है या जो करने वाले हैं, तो उसके बाद आप लोग अपना मेल रेगुलर चेक करते रहना। हो सकता है आपको इमीडिएट विद इन 1 आवर या विद इन 4 आवर या विद इन 24 आवर में आप लोगों को एक और मेल आएगा। तो आप लोग मेल चेक करते रहना। और अगर ऐसा कोई सिलेक्शन वाला अगर नेक्स्ट मेल आता है, जैसे एक स्पेशली पहले मेल आता था कि आप सिलेक्ट हो गए हो ठीक है, तो अगर वैसा मेल आता है तो आप लोग मुझे भी बताना, तो बहुत लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट था उस मेल के रिगार्डिंग, जहां तक मुझे जो पॉसिबिलिटी लग रही थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और साथ में एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम आप लोग फॉलो कर लो, वहां पे मैं अपडेट करता रहता हूं। साथ में मेरे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी अपडेट रहना, वहां पे मैं लाइव आने के लिए अपडेट करता हूं। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।